हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अ मैन कॉल्ड ऑटो फिल्म का रिव्यू करेंगे जो हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रीमेक है स्वीडिश फिल्म अ मैन कॉल्ड ओ की, जो खुद फ्रेडरिक बैकमैन की बुक अ मैन कॉल्ड ओ का ऑफिशियल एडेप्टेशन थी। सिंपल और हार्ट वार्मिंग फिल्म की बात करें तो टॉम हैंक्स ने उसमें PhD कर रखी है, फिर चाहे वो फॉरेस्ट गंप हो या फिलाडेल्फिया हो या टर्मिनल हो, लिस्ट बड़ी लंबी है। और इस बार भी वो वापस आ चुके हैं एक और इमोशनल फिल्म लेकर जो हम सबके दिलों में रेंट फ्री रहेगी सालों तक। फिल्म का प्लॉट पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में बेस्ड है। ऑटो यानी कि हम सबके चाहिए टॉम हैंक्स का कैरेक्टर एक सीधा साधा भोला भाला 65 साल का विडोवर सिंगल आदमी है। उसके लिए सब कुछ उसकी बीवी ही थी जो एक स्कूल टीचर थी और उसका देहांत 6 महीने पहले हो चुका होता है। उसके जाने के बाद ऑटो का बर्ताव काफी चिड़चिड़ा हो जाता है और जीने की इच्छा खत्म सी हो चुकी होती है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन वो फैसला लेता है कि वो अगले दिन की सुबह नहीं देखेगा। उसी वक्त उसके लाइफ में एंट्री होती है उसके नए पड़ोसी मारिसॉल, टॉमी और उनके 2 बच्चों की। क्या नए पड़ोसी के आने के बाद ऑटो के जीने की इच्छा बढ़ जाएगी और क्या क्या बदलाव उसकी जिंदगी में आ जाएंगे, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी थिएटर्स में। फिल्म को डायरेक्ट किया रिनाउंड डायरेक्टर मार्क फॉस्टर ने, जिन्होंने फाइंडिंग नेवरलैंड, क्वांटम ऑफ सॉलेस और वर्ल्ड वॉर जी जैसी अच्छी फिल्म्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है फ्रेडरिक निकास्ट्रो, टॉम हैंक्स, रीटा विल्सन और गैरी गॉड्समैन ने। टॉम हैंक्स के इम्पैकेबल परफॉर्मेंस की बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके मोस्ट अप्रिशिएटेड रोल्स के लिस्ट में ऑटो ये फिल्म भी ऐड कर दीजिए। लेकिन उनसे ज़्यादा हम बात करेंगे मैरियाना ट्रेविनियो की, जिन्होंने मैरिसॉल का कैरेक्टर प्ले किया है। उसका स्क्रीन प्रेजेंस ही आपके फेस में स्माइल लाने के लिए काफ़ी है। मैरिसॉल का कैरेक्टर ऑटो के लाइफ में ज़िंदगी के सारे कलर्स वापस लाती है और मैरियाना ने मैरिसॉल का कैरेक्टर बहुत ही एफर्टलेसली प्ले किया है। ये फिल्म आपको टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम और एनिमेशन फिल्म अब की याद दिलाएगी, जो कि अच्छी बात है। फिल्म ऑटो के पास्ट और प्रेजेंट के बीच जंप करती रहती है। उसके और उसकी वाइफ सोनिया की लव स्टोरी के बीट्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर किए गए हैं और ऑटो की लाइफ में ये बदलाव आप आसानी से देख भी सकते हो। सोनिया के साथ उसका पास्ट बहुत ही कलरफुल है और उसके बिना उसका प्रेजेंट काफी डल। फिल्म काफी इमोशनल है और ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में से आंसू निकल ही जाएंगे। फिल्म की एक ही खामी है जो कि उसकी पेसिंग है, लेकिन सच कहे तो वो भी वर्थ है। ओवरऑल ये फिल्म आपको हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी। ऐसी सिंपल और हार्ट वार्मिंग फिल्म आज के माहौल में बहुत कम देखने मिलती है। हमारा मानना है कि आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म का आनंद उठाना चाहिए थिएटर्स में। इट्स अ मस्ट वॉच एंड वर्थ योर टिकट प्राइस। सो वेल फ्रेंड्स, ये था अ मैन कॉल्ड ऑटो फिल्म का रिव्यू आपके लिए। अगर कोई थॉट्स हो तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में शेयर करना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एंकरेज कीजिए। रिव्यू को टॉम हैंक्स के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।